यार पीस है तो यहाँ है, आई मीन रिवर के पास बैठ के यार इतना सही लग रहा है ना, इतना सुकून, यू नो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पे। एंड यू नो लोग बोटिंग कर रहे हैं ऑल ओवर, आ रहे हैं जा रहे हैं निकल रहे हैं, खूब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुकून लग रहा है मेरे को यार। मतलब आई थिंक इस ट्रिप की मेरी ये आई थिंक दूसरी तीसरी जगह होगी जो मुझे बहुत पसंद आई। और यार ऐसी जगह आके मतलब एक अलग ही लगता है यार, मतलब रिलैक्सिंग फील। भीड़ भाड़ सिटी लाइफ नहीं पसंद अपने को, सिटी टू बहुत ज़्यादा रश लगता है, ये बहुत पीस है यार यहाँ पे। बैक साइड मेरे पीछे पानी दिख ही रहा होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है यार भाई। ये एशियाज क्लीनेस्ट रिवर है डॉकी का, सबसे क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला। मतलब बेसिकली जो मेघालय में जो डॉकी है, यहाँ लोग मोस्टली यू नो कैंपिंग के लिए और इस रिवर में बोटिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे वैसे कायाकिंग भी कराते हैं भैया, मतलब जिससे अभी हम लोगों ने एक्चुअली स्कूबा की डाइविंग स्कूबा डाइविंग की बात की है, वो स्कूबा डाइविंग कराते हैं एंड कायाकिंग भी कराते हैं। बट कायाकिंग हम लोगों ने नेपाल में ऑलरेडी कर रखी है, नेपाल में पेवा लेक के पास किया है। तो यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का यार एक बार देखना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक मैंने स्कूबा डाइविंग नहीं किया है। तो स्कूबा डाइविंग का कुछ इन्होंने 3,500 रुपीज़ बताया है, जिसमें 15 मिनट का आपका लर्निंग सेशन होगा। एंड लर्निंग सेशन के बाद वो कुछ 45 मिनट्स का फिर वो डाइव नीचे ले जाएंगे कुछ 12 फीट तक, 12 फीट नीचे है, 12 फीट था या कितना था, 12 मीटर अंदर तक शायद, हाँ 12 मीटर अंदर तक शायद ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो लेट्स सी, देखते हैं यार कल का एक्सपीरियंस कैसे क्या रहता है स्कूबा डाइविंग का। और आज की रात बहुत अच्छी होने वाली है, यहाँ पे बोन फायर वगैरह होगा, खाना वाना पूरा यही होगा, फुल ऑन रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। ये देखो अपनी कैंपिंग साइट फुल ऑन, और नज़ारा है मस्त यार ऑल ओवर सारा, अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पे आके। आई एम हैप्पी हियर, इधर ही बैठा था यार, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे ना, आराम से स्मूथ सॉन्ग चल रहे हैं एंड देन फुल ऑन मजे अपने। Mm-hmm.